आज दौरे के पहले पड़ाव पर तेलंगाना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीमनगर में रैली के दौरान कांग्रेस पर साधा निशान। कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है। रैली से पहले प्रधानमंत्री ने करीमनगर में श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चार के बीच लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री ने गाय की पूजा भी की। श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर के पुजारी ने उन्हें किया सम्मानित। प्रधानमंत्री को देखने के लिए मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। प्रधानमंत्री ने किया अभिवादन। करीमनगर के बाद जाएंगे वारंगल। शाम को आंध्र प्रदेश का दौरा। लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज। लालू प्रसाद यादव ने की मुस्लिम आरक्षण की वकालत। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू के बयान को लेकर किया पलटवार। बोले कांग्रेस और विपक्षी तमाम दल ओबीसी कोटे में कटौती कर मुस्लिम आरक्षण को बढ़ावा देना चाहते हैं। एससी एसटी ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों के बाद लालू यादव ने की सफाई। बोले मंडल कमीशन मैंने ही लागू किया। ये लोग हमसे बड़े और असली ओबीसी नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का लालू पर निशाना। कहा वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आतंकवादी का वोट लेना चाहते हैं। एआईयूडीएफ नेता बदुद्दीन अजमल ने मुस्लिम आरक्षण पर लालू के बयान का किया समर्थन। कहा सबको आरक्षण मिला लेकिन हमें नहीं मिला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर उठाया सवाल। पूछा दलित पिछड़े आदिवासियों को जनरल में सीट मिल जाती थी, आरक्षण में क्यों बांधा गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा जब तक बीजेपी है तब तक ओबीसी एससी और एसटी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। विपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान संशोधन पर आरक्षण खत्म करना चाहता है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। वीडियो संदेश जारी कर कहा उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने की ओर है। सोनिया गांधी का आरोप देश में युवा बेरोजगारी महिलाएं अत्याचार दलित आदिवासी पिछड़े और माइनॉरिटी भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। सोनिया गांधी के बयान पर सीएम योगी ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस ने फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश परंपरा को अपनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। बोले देश का मुसलमान खतरे में है, बीजेपी पर लगाया नफरत पैदा करने का आरोप। झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी ने की रैली। कैश कांड के बाद मंत्री आलमगीर आलम कार्यक्रम से रह गायब। कांग्रेस से बनाई दूरी। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर संगीन आरोप। बोले सीमा पार से कांग्रेस के समर्थन में ट्वीट। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोले प्रधानमंत्री। कहा कांग्रेस की सीमा पार वाली बी टीम हुई एक्टिव। पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी के राहुल की तारीफ पर स्मृति ईरानी का पलटवार। पूछा पाकिस्तान के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के 13 मई को करेंगे रोड शो। कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारी। अखिलेश का बीजेपी पर हमला। बोले तीन चरणों ने बीजेपी को इतिहास बना दिया। तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन के समर्थन में हुई सफलता। आप विधायक अमानतुल्ला ने आरोपों से किया इनकार। कहा मेरी छवि खराब करने और मुझे एक तरफा पुलिस कार्रवाई फंसाने के लिए अधूरे सीसीटीवी फुटेज का हो रहा इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी और टीएमसी के आरोप। कहा यूपी में अल्पसंख्यकों को वोट डालने से रोका गया। बिलासपुर में थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा पन्ना प्रमुख के साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 2:30 बजे मंडी में करेंगे प्रचार। दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर में सीएम योगी करेंगे रैली, भरेंगे जीत कदम। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव थोड़ी देर में शाहजहांपुर में रैली, उसके बाद फरीखाबाद में संबोधन। चुनाव के बीच मायावती का चौंकाने वाला फैसला। भतीजे आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। बीजेपी बोली मायावती बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है। रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। दोपहर में लोगों से होंगी रूबरू। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से लिया समर्थन वापस। कांग्रेस बोली अल्पमत में सैनी सरकार, राष्ट्रपति शासन हो लागू। हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेने और कांग्रेस को समर्थन देने वाले विधायक धर्मपाल गोंदर बोले बीजेपी मुझे किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाती थी। कर्नाटक सेक्स टेप का असर केरल के जेडीएस पर। पार्टी में टूट गया साथ। तिरुवनंतपुरम में मीटिंग। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 93 सीटों पर 64% मतदान। असम पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान। अमृतसर के अटारी विधानसभा से 2017 में आपसे चुनाव लड़ चुके जसविंदर सिंह बीजेपी में हुए शामिल। अमित मालवीय ने एक्स पर अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव के राम मंदिर को बेकार कहने पर दी प्रतिक्रिया। कहा भगवान राम का इतना अपमान।
सीएम केजरीवाल के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका, 20 मई तक न्याय हिरासत बढ़ी। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, कोर्ट ने ईडी सीबीआई को दिया था नोटिस। राजगढ़ में दिग्विजय बोले, ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन हर कॉलिंग बूथ पर 150 वोट बढ़ जाएं तो ईवीएम को हम लोग हरा दें। राजगढ़ एमपी तक से बातचीत में बोले दिग्विजय सिंह, कहा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर मालदा में बवाल, मतदान का विरोध कर भीड़ ने पोलिंग अधिकारी को बनाया बंधक, मारपीट को भी वारदात। पुलिस और केंद्रीय बलों ने बंधक बनाए गए अधिकारियों को छुड़ाया, सुरक्षा कर्मियों से भी धक्का मुक्की और तनाव। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार की पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए रवाना, गूंजे भक्तों के जयकार। विमानन सेवा एयर इंडिया के सीनियर क्रू मेंबर्स बड़े पैमाने पर छुट्टी पर गए, 75 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर असर, उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों से खबर। इंसेंटिव को लेकर क्रू मेंबर्स की नाराजगी, एयरलाइंस की अपील, यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले जान ले उड़ान की जानकारी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीएम एकनाथ शिंदे ने की रैली, बीजेपी के पक्ष में मांगा समर्थन। जलगांव में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने जनसभा की, लोगों से की शिवसेना के पक्ष में मतदान करने की अपील। कानपुर में अभिनेत्री मोनालिसा और अक्षरा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी के समर्थन में रोड शो किया। करनाल के पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बुलाई मीटिंग, बोले टिकट न मिलना हमारे लिए कोई नई बात नहीं, जनता को निराशा हमें नहीं। हुबली में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक दुकानदार की शानदार पहल, वोट डाले और आइसक्रीम मुफ्त खाएं चलाया अभियान। नागपुर में वीएचपी के महासचिव सुरेंद्र जैन ने किया कांग्रेस पर हमला, बोले राम मंदिर की जगह बाबरी बनाने का कांग्रेस का सपना नहीं होने देंगे साकार। कांगड़ा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का हुआ आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सम्मेलन में हुए शामिल। मुरैना में पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा करते बीएसपी कार्यकर्ता, लाठियां भांगती दिखाई दी पुलिस। सोलापुर में वोटिंग बूथ पर एक व्यक्ति ने ईवीएम मशीन को जलाने की कोशिश की, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर कुलगाम में मारा गया टॉप कमांडर बासित अहमद डार, 10 लाख का था इनामी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विकसित भारत इवेंट पर विवाद, आज होने वाले इवेंट पर कांग्रेस की आपत्ति। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का दावा, करीब 5000 छात्र जुट रहे, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की कार्यक्रम की शिकायत। महाराष्ट्र के हिंगोली में एक बाजार में लगी आग, 4 दुकानों के जलने से लाखों का नुकसान। कानपुर में पैसे को लेकर हुई मामूली कहासुनी में भाई ने की बहन की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। एमपी के मंडला में अचानक मौसम बदलने से बरपा कहर, साप्ताहिक बाजार में पेड़ गिरने से करीब एक की मौत, 30 घायल। उत्तराखंड के टिहरी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, जबरदस्त बारिश से साथ गिरे ओले। सौराष्ट्र के कई इलाकों में बिन मौसम बारिश, लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के कई इलाकों में जमाझम बारिश, साथ ही गिरे ओले। मध्य प्रदेश के सिवनी में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, शादी का मंडप छोड़कर भागे बराती। भारी बारिश के बाद हैदराबाद और साइबराबाद के कई हिस्सों में जलजमाव, हाईटेक इलाके में स्टोर के पास भारी ट्रैफिक जाम। मंडला में अचानक हुई मौसम परिवर्तन से जनजीवन अस्त व्यस्त, आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश। राजस्थान के रेगिस्तान में गर्मी का कहर, 45 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। महाकुंभ के पहले महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी, 130 सन्यासियों को महामंडलेश्वर बनाने से अखाड़े कर रहे इनकार। बेंगलुरु में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, कई पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित। हनुमानगढ़ में एक फार्म में लगी भीषण आग, करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैली आग। पौड़ी में जंगल की आग बुझाने की कोशिश जारी, वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार झील से पानी लेकर आग बुझाने में जुटे। लखनऊ में नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला आया सामने, 5 आरोपियों पर मामला दर्ज। सोनीपत में शराब फैक्ट्री में आग की तांडव, फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से लैब कर्मचारी। हनुमानगढ़ जेल में बंद एक बंदी की मौत, मामले की जांच जारी। तमिलनाडु के कुडलोर में भारी बारिश, राहत के बीच जनजीवन पर असर।